प्रतीक जी, ब्रीफ में अपने बारे में इंट्रोडक्शन है। सर, मेरा नाम प्रतीक कुमार रजक है। मैं अभी प्रेजेंटली नायब तहसीलदार के पद पे काम कर रहा हूँ सागर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा होम टाउन रायसेन है। अच्छा, अभी रायसेन में कौन सी तीन मेजर समस्याएं चल रही हैं? रायसेन में सर एक ट्रांसपोर्टेशन इशू चल रहा है, जो रेलवे की डिमांड की जा रही है, वो रेलवे की नीड है वो नहीं हो पा रही है। दूसरा इशू चल रहा है सर एजुकेशन को लेकर, कि अभी एजुकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो भोपाल से है, रायसेन अभी इतना सक्षम नहीं हो पाए कि वहाँ पे एजुकेशन सेंटर डेवलप हो पा रहे हैं। और तीसरा वाटर क्राइसिस है थोड़ा, कि वाटर की सप्लाई लाइन तो आ गई है लेकिन वो अभी भी डैमेज हो जाती है, तो काफ़ी समय तक क्राइसिस बना रहता है। अच्छा, अभी चर्चा में बहुत ज्यादा आपके डिपार्टमेंट से ही पटवारी को लेकर ना एक विवाद चल रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा देखा जाता है, ऐसा क्यों रहता है? सर कुछ लूप होल्स रहे हैं जिसका मिसयूज करके पटवारियों ने अपने पर्सनल एग्रेंडाइजेशन के लिए, अपने गेम के लिए इनका मिसयूज किया है, और ये इस लूप होल्स के कारण ही ये सिस्टम में इन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। सिस्टम ई गवर्नेंस पर तो चला गया लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ऑफलाइन पे भी डिपेंडेंट है, इस वजह से पटवारियों ने इसका मिसयूज किया है। अच्छा, क्या चेंजेस लगते हैं, क्या चेंजेस किए जाना चाहिए इस लेवल पर ताकि वो जो भ्रष्टाचार है वो कम हो सके? तो बेसिकली सर इसमें होता यह है कि जब हम लोग किसी को भी वो देते हैं मुआवजा, कम्पनसेशन पे करते हैं, तो उसमें हम उसके अकाउंट नंबर और उसके फील्ड की डिटेल्स लेते हैं, खेत में कितनी जमीन है क्या है, तो ये हम लोग उसमें मैनुअली एंटर करते हैं। उसमें सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सब पूरा सिस्टम लिंक हो जाए, बैंक अकाउंट्स, उसके जो लैंड है सारी कंप्लीट मैपिंग हो जाए उस पर्सन की। जैसे हम लोग अगर QR कोड आधार कार्ड स्कैन करते हैं सारी डिटेल्स अपने आप आ जाए, तो जो अकाउंट नंबर है उसी पर्सन का रहेगा, तो बेनिफिशियरी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वहां से उसको जो है कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट का। ये लोग करते क्या है सर, इसमें अपना या अपने रिलेटिव का अकाउंट नंबर फीड कर देते हैं, जो सरकार की जो मुआवजा राशि होती है वो अपने किसी रिलेटिव को दे देते हैं और कुछ परसेंट अपने पास कमीशन दे देते हैं। ये इसमें सर लूप होल है। अच्छा, रायसेन वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर भी जाना जाता है जी, कुछ कौन कौन से क्षेत्र हैं? सर रायसेन में भीमबेट का है, जो 2003 में उसको लिस्ट किया था, सांची है, उसको 1989 में रिकॉग्निशन मिला था यूनेस्को का। अच्छा, सांची क्यों प्रसिद्ध है? सर सांची बेसिकली सर बुद्धिस्ट रिलीजन के प्रोपोगेशन के कारण से है, और हिस्टोरिकल हमें उसमें काफी डिटेल्स मिलती है, मौर्यन एम्पायर से लेके पुष्यमित्र सुंग और उसके बाद कुछ गुप्त एरा की जानकारी मिलती है, इस कारण से उसका अपना इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक सिविल इंजीनियर भी रहे हैं आप जी, तो अभी कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं अपने जॉब में इसका? सर कुछ हद तक जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, शोल्डर वगैरह चेक करना, और ETSM मशीन से सर्वेइंग होती है, तो सर्वेइंग के लिए जो मशीन्स होती हैं उसमें उसको पूरा ऑपरेशन मैंने सिविल इंजीनियरिंग में सीख लिया था कि बाई मशीन कैसे सर्वे किया जाता है, तो इसका एप्लीकेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, एज ए इंजीनियर भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी, अगर हम बात करें तो आपके पास में दो जिम्मेदारियां होती है, एक सड़क निर्माण को लेकर मिलती है और एक बांध निर्माण को लेकर मिलती है, तो ज्यादा चैलेंजिंग वर्क कहाँ पर? सर ये बेसिकली सर मॉनिटरिंग का काम रहता है हमारा, ये PWD और ये PHE डिपार्टमेंट करते हैं इस काम को। चैलेंजिंग सर इसमें आता है कंपनसेशन पे करने में, जब आप जमीन का एक्विजिशन करते हैं, बेसिकली बांध निर्माण में ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके साथ जो उसका HFL हाइस्ट फ्लड लेवल बढ़ता है तो एम्बैंकमेंट्स के दोनों साइड पानी फैलता है, तो हमें डिस्प्लेस ग्रुप पूरे देखने पड़ते हैं कितने अफेक्टेड हैं, तो उनको रिसेटलमेंट करना पड़ता है। दूसरा लैंड एक्विजिशन का जब हम पे करते हैं पेमेंट, तो उससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बोलते हैं हमारी जमीन इतनी महंगी आप इतना कम क्यों दे रहे हैं, तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हॉबी है आपकी प्लेइंग क्रिकेट जी, अभी जो है अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के साथ एक समस्या रही है कि 1983 देन 2011 उसके बाद में अभी भी चांसेस शायद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ये क्यों समस्या आ रही है? इसका मेन प्राइमरी कॉज तो सर कहीं ना कहीं से IPL अफेक्ट कर रहा है, फास्ट क्रिकेट की तरफ लोग ज्यादा उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, जब मेन कंपटीशन आता है तो लोग इंजरी से पीड़ित हो जाते हैं, जसप्रीत बुमराह इसका लिविंग एग्जांपल है, तो एक IPL इसका एक इम्पोर्टेंट कॉज है। और दूसरा टीम का अनबैलेंस्ड होना, कई बार नेपोटिज्म या ये भी एलिगेशन लगते रहते हैं कि टीम बैलेंस्ड नहीं है और कुछ प्लेयर्स को मौका कम देना, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट रीजन है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। प्रतीक, आप नायब तहसीलदार हैं, 2018 बैच में सिलेक्ट हुए होंगे, कितने नंबर थे इंटरव्यू में? मेरे 130 थे। और ओवरऑल? ओवरऑल थे मेरे 876। तो मतलब मेंस में कहीं ना कहीं आप थोड़ा पीछे रह गए। सो लास्ट ईयर का आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? ठीक था, वेल डिफाइंड, मतलब मेरा तरफ से तो ठीक नहीं था, पर बोर्ड मेंबर्स को अच्छा लगा तो उनकी तरफ से ठीक था। अच्छा,
तो क्या अब हम पूरा बोर्ड पैनल आप में वो इम्प्रूवमेंट पाता है जो आप पहले नहीं थे और अब है? मैम ये आप मुझसे ज्यादा बेटर जज कर सकेंगे क्योंकि आप लोग वहां बैठे हैं, मैं बस अपने इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर तो जो आपने क्या गलती इम्प्रूव किया? हुई थी। लास्ट ईयर में मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा घबरा गया था, मैं पैनिक हो गया था, तो सर उस कारण से मैं अपना 100% नहीं दे पाया था। तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे वॉमिटिंग चल रही थी, तो मेरा माइंड फ्रेश नहीं था, तो उस कारण से मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया था उस टाइम पर। ओके, तो आप अभी बढ़िया हैं। अच्छा, जी चलिए एक चीज बताइए, सिविल इंजीनियरिंग में बात कही जाती है कि जितना करप्शन आगे कोई सिविल इंजीनियर कर सकता है उतना और किसी इंजीनियरिंग के ब्रांच में नहीं है, और आपने नए तहसीलदार बनते हुए आपने सारे कंस्ट्रक्शन भी देखे होंगे, मैम, तो कैसे आप इस चीज से सहमत हैं या असहमत हैं तो क्यों? करप्शन का अगर हम बात करें तो करप्शन की इतनी ब्रॉड डेफिनेशन है कि कहीं ना कहीं करप्शन हर डिपार्टमेंट हर पर्सन में थोड़ा बहुत तो मिलता है आप मानते हैं इस चीज को? जी, कहीं ना कहीं तो है। प्रैक्टिकली हम लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं, लोकायुक्त की ट्रैपिंग, पटवारी भ्रष्टाचार और ये सारी केसेस हम देख रहे हैं, तो हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और करप्शन इंडेक्स में भी हमारी रैंक 86 है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की बात करें मैम, तो इसमें हाँ करप्शन के केसेस ज्यादा मिलते हैं, खासकर हायर ऑफिसर्स पे जो चीफ इंजीनियर लेवल के हैं या उस लेवल पे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड है कि इनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट मिलते हैं। रायसन का एक एग्जाम्पल है, हेमा मीना का, जो एक सब इंजीनियर थे, इनके पास 30 लाख का टीवी मिला है। तो मैम हाँ कहीं ना कहीं करप्शन इसमें अप्लाई करता है। प्रशासन में सरकार भ्रष्टाचारी है या लोग भ्रष्टाचारी? इसमें कल्यूसिव करप्शन बोल सकते हैं कि देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कल्यूडेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो संस्था भ्रष्टाचारी है या इंडिविजुअल भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचार एक इंडिविजुअल करता है, फिर मैग्निफाइड रूप हो जाता है, तो संस्था में सभी लोग करने लगते हैं। मतलब ये तो आपको संविधान में करके अवेलना है ना कि अगर कोई संस्था भ्रष्टाचारी है तो संस्था इंडिविजुअल की बात करूंगा, इंडिविजुअल से ही संस्था बनती है। हम किसी ऑफिस को नहीं करते कि कोई पर्सन ये भी पोस्ट पे जा रहे, नहीं, जो पर्सन उस पोस्ट पे बैठा है वो करप्ट कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है, तो पर्सन के तरफ से करप्शन है। जो आपके अनुसार अधिकतर जो ऑफिसर हैं, अधिकतर जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, अधिकतर नहीं है ना, पर करप्शन है ये डिनाई नहीं किया जा सकता, कुछ क्लीन लोग भी हैं, पर आउटराइटली नेगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, ओके, तो एक नायब तहसीलदार होते हुए आप प्रशासन में और एक इंजीनियर होते हुए आप कैसे देखते हैं कि आप इंजीनियर उसके लिए प्रशासन के लिए कैसे बेहतर है, क्योंकि अभी हम जितना एक सिनेरियो चल रहा है काफी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स लोग प्रशासन में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अभी चूंकि ऑलरेडी आप हैं तो आप कैसे देखते हैं कि एक कोई इंजीनियर है वो एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है? मैम इंजीनियरिंग एक उसका एक टेक्निकल बैकग्राउंड तो हो गया, बाकी सिविल सर्वेंट में वो अपने क्वालिफिकेशन और अपना जो नॉलेज है वो अप्लाई करके अपना सिविल सर्वेंट में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है। तो डिपेंड करता है वो किस फील्ड में जा रहे हैं। ये टाइप ऑफ फील्ड, एनी टाइप ऑफ फील्ड, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ही सिविल इंजीनियर हूँ और मैं इस फील्ड में आऊँ, जमीन से जुड़ी चीजें हैं मेरे इंजीनियरिंग में, सब किया है, सर्वेइंग की है, मैपिंग देखी है, एलिवेशन देखे हैं, कंस्ट्रक्शन देखे हैं, कलवर्ट्स देखे हैं, तो मैं चीजें अपने आप समझ सकता हूँ। अभी सागर में एक हाईवे बन रहा है, ओवर फ्लाई ओवर बन रहा है, तो वो जो इंजीनियर थे एमपीआरआईडी के, सॉरी एमपीआरडीसी के इंजीनियर थे, वो आए थे मेरे पास प्लान लेके, मैं उसको अच्छे से समझ गया था। फिर मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाया कि इसमें ये एलिवेशन है, इतना हमें इतना लेना है, ऐसे प्लानिंग होनी है, तो यहाँ अप्लाई मतलब आप एनालिटिकल अप्रोच इंजीनियर्स में बेहतर पाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सिविल इंजीनियरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हम इसका अगर हम लिटरी मीनिंग कह रहे हैं तो रासायनिक अभियंता कैसे बनेगा सिविल का? जनपद अभियान की जी, तो एक वो वाला सिविल, इस वाले सिविल से कैसे अंतर है? सॉरी मैम कौन सा? सिविल इंजीनियर सिविल सर्वेंट में जो सिविल है वो जी कैसे अंतर है, दोनों में कैसे अंतर? मतलब सिविल इंजीनियरिंग जो होता है सिर्फ अपने एक फील्ड में काम करता है, इसका एक स्कोप होता है इंजीनियरिंग का, और सिविल सर्वेंट जनता का सर्वेंट, उसको हम और ज्यादा ब्रॉड में करें तो पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, जिसको लीगली रिकॉग्नाइज किया आईपीसी सेक्शन 21 में, जिसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऐसा कोई रिकॉग्निशन लीगली हमें मिला नहीं है, तो ये एक टेक्निकल फील्ड है, वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट हो जाता है। ओके, किसी सिविल इंजीनियर के लिए सरकार की कोई योजनाएं बताएंगे? मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्टर योजना चल रही है, जिसमें 100 डेज की ट्रेनिंग, सॉरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है एक न्यूली रिक्रूटेड इंजीनियर को, फिर वो अपना बिजनेस एम्पायर एक्सपैंड करके कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर सकता है। ओके, कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताइए। मेरा कॉलेज भोपाल में ही था, बंसल कॉलेज था, जिससे मैंने 2013 में एनरोल हुआ था, 17 में पास आउट हुआ था, और ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इंजीनियरिंग में मैंने 3rd ईयर से ही सिविल सर्विसेज फील्ड चुन लिया था, तो मैं फिर यहाँ पे प्रिपरेशन में लग गया था। बंसल तो भाई काफी और भी फेमस है, बंसल आपके कॉलेज का नाम पूछना कुछ फेमस होगा ना, तो फेमस चीज बताइए आपके कॉलेज के बारे में।
उस टाइम मैं हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में था बंसल का, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बस वो क्या ऐसा एमिनेंट पॉइंट था। अच्छा, एक ये आपने जो लिखा है, आप रिजल्ट के कारण आपका एमपीपीएससी 2020 नहीं दे पाए। 2017 अच्छा कट गया है, ओके ऑलराइट ठीक है। सो आपका 2020 का भी मेन 20 का भी इंटरव्यू था? जैसा कि आपने बताया कि रायसेन में कुछ इश्यूज हैं शिक्षा को लेके, ठीक है ना, पाइपलाइन वगैरह आपने ये बताया, तो इशू तो ये भी है कि रायसेन को काफी पिछड़े हुए जिलों के रूप में हम देखते हैं, और ऐसा वहाँ के रहने वाली जनसंख्या वो भी ये मानती है, तो क्या कारण क्या है ऐसा? क्यों सर, इसमें रायसेन का एक ऐसा रहा कि रायसेन की कनेक्टिविटी भोपाल से, विदिशा से और लगभग सागर से, तीनों के बीच में आती है, तो रायसेन को लोगों ने बाईपास कर दिया है जब डेवलपमेंट की तरफ आई, लोगों ने भोपाल को डेवलप किया। तो डेवलपमेंट लोग करते हैं या प्रशासन करते हैं? आई मीन सर कि जो भी मशीनरी थी उस समय अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी थे, जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग आए, तो उन्होंने उसको ना छोड़ के भोपाल और विदिशा को डेवलप किया। हालांकि सर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, पहले मॉल नहीं था, मॉल आ गया है, फूड कोर्ट्स आ गए हैं, तो धीरे धीरे सर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, पर इट्स टाइम टेकिंग, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है।